चंडीगढ़ नगर निगम में हुए मेयर इलेक्शन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज दिल्ली से सीनियर लीडरशिप यहां पहुंची है, अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज मेयर के गढ़ में पहुंचकर आप मीटिंग्स ले रहे हैं, सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई चीजों को लेकर खुलासा किया है, अब कांग्रेस की तरफ से किस तरह से रणनीति तैयार की जाए? देखिए, भाजपा ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। हम भाजपा के गढ़ों को अब धाराशाही करेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं, पहली आज शुरुआत। जिस मेयर को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, फर्जीवाड़ा करके, शर्मसार लोकतंत्र को करके यहां से भेजा है भाजपा ने, उसी के गढ़ में उन्हीं के लोगों से बात करने आए हैं कि क्या वो इस लोकतंत्र की हत्या का समर्थन करते हैं। कोई भी नहीं करेगा, आज चुनौती देने आए। और आप देखिए, आधी आबादी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के है। मैम, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की है, जैसे आपने पहले बात की। देखिए, हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का इंतजार ना करें, थोड़ी सी भी शर्म हो तो मेयर को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा लोकतांत्रिक तरीकों से जो है ये करना है इसका। तो बिल्कुल, जैसे अलका लांबा जी ने बताया कि किस तरह से पूरा एक वो करना है, उसको लेकर आज चंडीगढ़ के मौली जागरा जो वार्ड नंबर मेयर जो सोनकर हैं, मनोज सोनकर, उसी के गढ़ में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इससे पहले भी जिस तरह से अलायंस के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट लगातार रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18, पंजाब। चंडीगढ़ नगर निगम में हुए मेयर इलेक्शन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज दिल्ली से सीनियर लीडरशिप यहां पहुंची है, अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज मेयर के गढ़ में पहुंचकर आप मीटिंग्स ले रहे हैं, सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई चीजों को लेकर खुलासा किया है, अब कांग्रेस की तरफ से किस तरह से रणनीति तैयार की जाए? देखिए, भाजपा ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। हम भाजपा के गढ़ों को अब धाराशाही करेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं, पहली आज शुरुआत। जिस मेयर को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, फर्जीवाड़ा करके, शर्मसार लोकतंत्र को करके यहां से भेजा है भाजपा ने, उसी के गढ़ में उन्हीं के लोगों से बात करने आए हैं कि क्या वो इस लोकतंत्र की हत्या का समर्थन करते हैं। कोई भी नहीं करेगा, आज चुनौती देने आए। और आप देखिए, आधी आबादी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के है। मैम, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की है, जैसे आपने पहले बात की। देखिए, हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का इंतजार ना करें, थोड़ी सी भी शर्म हो तो मेयर को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा लोकतांत्रिक तरीकों से जो है ये करना है इसका। तो बिल्कुल, जैसे अलका लांबा जी ने बताया कि किस तरह से पूरा एक वो करना है, उसको लेकर आज चंडीगढ़ के मौली जागरा जो वार्ड नंबर मेयर जो सोनकर हैं, मनोज सोनकर, उसी के गढ़ में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इससे पहले भी जिस तरह से अलायंस के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट लगातार रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18, पंजाब।